रेलवे मंत्रालय की ओर से हम लोगों को निर्देश ये है कि आप जो भी सुविधाएं यात्रियों के लिए दे सकते हैं अपनी ओर से प्रयास करें, तो और इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रयास कर करके यात्रियों को अधिक से अधिक सुविधा दे सकें। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये मसाज की जो सर्विसेज हैं वो चालू करने का निर्णय लिया था। तो हमारे यहाँ से 39 गाड़ियों को हमने चयनित किया, उनमें मसाज करने के लिए एक एजेंसी लगाई गई है, उसको उस व्यक्ति को ट्रेन मसाजर्स जो मसाज करने में ट्रेन है ऐसे व्यक्तियों को उसको नियुक्त करना है, उनका मेडिकल सर्टिफिकेट उनको देना है, पुलिस वेरिफिकेशन करके व्यक्ति का हमें देना है उसकी आईडी, वो सारे सर्टिफिकेट होने के बाद फिर हम लोग उसको ऑथराइज कर देंगे अपनी ओर से कि वो ट्रेन में चल सकता है और मसाज करने के लिए अधिकृत। मसाज की एक फैसिलिटी इंदौर से शुरू होने वाली है सभी ट्रेन्स में, तो किस तरह से देखते हैं क्या कितना बेनिफिशियल रहेगा ये? एक्चुअली ऐसा है कि भारतीय रेलवे एक बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रही है इंदौर की। अभी फिलहाल तो शायद इंदौर से एक्सप्रेस जो ट्रेनें स्टार्ट हो रही है तो उसमें मसाज सुविधा प्रोवाइड कर रही है। ये मसाज सुविधा मतलब जो यात्रीगण हैं उनको काफ़ी हेल्प करेगी। जैसे कई जगह कई बार क्या होता है कि बुजुर्ग व्यक्ति है, कुछ लेडीज़ हैं जो मतलब अकड़न जैसी हो जाए या कुछ उनको इस तरह से कुछ इश्यू है या किसी का मसाज डेली करना हो लाइक ऐसा, तो उसमें ये बहुत बेनिफिशियल होगा।